गुड मॉर्निंग गर्ल्स। देखिए, ये आपका जो डाउट था एग्जाम्पल 3.9, आज ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए गर्ल्स। एग्जाम्पल 3.9, इसकी स्टेटमेंट क्या है हमारी, हमें यहाँ पर क्या गिवन है, एक्स जे क्या है आपका, यहाँ पे प्राइस रिलेटिव है। ठीक है, प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ पहले लेक्चर्स में, यूनिट वन में आपने प्राइस रिलेटिव पढ़ा था। यहाँ पे हम उसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, क्या, PIJ P0J। तो यहाँ पे प्राइस रिलेटिव को हमने क्या लेट किया है, XJ। क्वांटिटी रिलेटिव हमारा क्या है यहाँ पे, YJ। ठीक है, क्वांटिटी रिलेटिव का क्या हो जाएगा, QIJ Q0J। उसके बाद हमें क्या गिवन है, वैल्यू इंडेक्स नवंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर का हमने यहाँ पे फॉर्मूला ले लिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या क्या गिवन है, प्राइस रिलेटिव, क्वांटिटी रिलेटिव एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। उसके बाद वो हमें बोल रहे हैं कि WJ यानी कि वेटेड। वेट्स हमारा किसके इक्वल होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ये कंडीशन भी आपको पता है कि हमारा W किसके इक्वल होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो यहाँ पर WJ किसके इक्वल है, P0J Q0J। ये हमारे क्या है, वेट्स ऑफ XJ एंड YJ। XJ यानी कि प्राइस रिलेटिव, YJ यानी कि क्वांटिटी रिलेटिव। तो ये WJ आपका यहाँ पर वेट्स है इन दोनों के। वी हैव टू शो दैट, हमें यहाँ पे क्या शो करना है कि जो प्राइस है लेस पारे का, डिवाइड अगर हम करते हैं प्राइस ऑफ पाशे से, तो वो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, 1 माइनस आर। आर मीन्स को रिलेशन, आर एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय V0 I। वी यानी कि वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो हमें यहाँ पर ये वाली कंडीशन प्रूफ करनी है। ठीक है, इसमें आपको पता ही है कि आर आपका क्या है, यहाँ पे आर एक्स वाई ये क्या है, वेटेड को रिलेशन कोफिशेंट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे आपका आर किसको डिनोट करता है, आपके कोरिलेशन को करता है, वेटेड कोरिलेशन को करता है, क्योंकि हम यहाँ पर वो एक्स और वाई के लिए ले रहे हैं। ठीक है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या है बेटा आपका, यहाँ पे वेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा वैसे आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो यहाँ पर हम एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या हो गया आपका, वेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। आफ्टर दिस प्रूफ वी हैव टू डिड्यूस द कंडीशंस अंडर विच लेस पारे प्राइस इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन पाशे प्राइस इंडेक्स। इसके बाद हमें ये कंडीशन दिखानी है कि जो लेस पारे है या तो ग्रेटर देन इक्वल या फिर लेस देन होना चाहिए पाशे प्राइस इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट थी। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले बाय डेफिनेशन, आपने फर्स्ट ईयर में कोरिलेशन चैप्टर पढ़ा है ना, वहाँ पे कोरिलेशन का आपको फॉर्मूला पता था। कोरिलेशन का बेसिकली आपका क्या फॉर्मूला होता है, आर एक्स वाई इक्वल्स टू को वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई बाय सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। ये कोरिलेशन का फॉर्मूला बेटा आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पर ले रहे हैं। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन, हम यहाँ पे वेटेड कोरिलेशन का फॉर्मूला कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो आपका क्या हो जाएगा, आर एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई विच इज इक्वल्स टू को वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है ना, इनके डिनोशन आपको पता ही है कि ये यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करे हैं, वो स्टेटमेंट में आपको मैं समझा चुकी हूँ कि ये वेटेड कोरिलेशन एक्स वाई के लिए, ये वेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्स और वाई के लिए। तो हमारे पास ये किसके इक्वल है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। कोवेरियंस का रिजल्ट भी बेटा आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है, यहाँ पे मैं वही अप्लाई कर रही हूँ। कोवेरियंस का आपने ये पढ़ा होगा ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। तो हम यहाँ पर वही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर वेटेड की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के लिए करेंगे। तो वेट की बात कर रहे हैं, तो समीशन ऑफ WJ एक्स जे वाई जे डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ WJ, क्योंकि एक्स वाई आपका क्या है, वेटेड कोरिलेशन है, इसलिए आप यहाँ पे वेट्स भी साथ में लिखोगे, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स तो है ही, साथ में आपका वेट भी आएगा। सेम फॉर द YJ है, और साथ में आपका वेट भी यहाँ पर आएगा। ठीक है गर्ल्स, चलिए इसके बाद जो आपका यहाँ पे समीशन है, समीशन में आपको पता ही है J फ्रॉम 1 to n, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा,
ठीक है गर्ल्स, इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इनके वैल्यूज पुट करेंगे। चलिए करते हैं, यहाँ पे क्या है, समीशन ऑफ डब्ल्यू जे। डब्ल्यू जे देखो बेटा, यहाँ पर हमारा किसके इक्वल है, पी नोट जे क्यू नोट जे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ पी नोट जे क्यू नोट जे एक्स जे। एक्स जे क्या गिवन है आपको, पी आई जे अपॉन पी नोट जे, तो एक्स की जगह क्या आएगा, पी आई जे अपॉन पी नोट जे। वाई जे की जगह क्या आएगा, क्यू आई जे क्यू नोट जे, ठीक है, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ डब्ल्यू जे। डब्ल्यू जे है आपका पी नोट जे क्यू नोट जे। देखो बेटा, स्टेटमेंट में सब आपको गिवन है, एक्स जे गिवन है, वाई जे गिवन है, डब्ल्यू जे गिवन है, पी नोट जे क्यू नोट जे, तो मैंने वो टर्म्स यहाँ पर पुट की हैं। अब देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या टर्म बच जाएगी यहाँ पर, ये वाली, समीशन ऑफ पी आई जे क्यू आई जे डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ पी नोट जे क्यू नोट जे, ठीक है। सेम लाइक आप यहाँ पर डब्ल्यू जे की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर डब्ल्यू जे की वैल्यू पुट करोगे और यहाँ पर एक्स जे की वैल्यू पुट करोगे, तो वैल्यूज कैंसिल होने के बाद, इन दोनों की वैल्यूज कैंसिल होने के बाद आपको ये वाली दोनों टर्म्स मिल जाएंगी, ठीक है गर्ल्स, क्लियर है सबको। दोबारा देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है बेटा, जो आपकी ये वाली इक्वेशन आई है, मैंने यहाँ पर डब्ल्यू जे एक्स जे वाई जे और डब्ल्यू जे इनके वैल्यूज मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट में गिवन थी वो पुट की हैं, पुट करने के बाद वैल्यूज कैंसिल हो गई हैं, रेस्ट जो हमारे पास बचा है वो हमने लिख लिया है। सिमिलरली आप यहाँ पे एक्स के लिए और यहाँ पे वाई के लिए भी वैल्यूज पुट करोगे, तो कैंसिल आउट होने के बाद आपको ये वाली वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद मैंने इस पूरी इक्वेशन में से ये वाली टर्म कॉमन थी, मैंने इसको कॉमन लिया, तो आपके पास ये वाली टर्म बच जाएगी, ठीक है बेटा। तो मैंने यहाँ पर ये कॉमन लिया है, कॉमन लेना तो आपको सबको आता ही है ना, कॉमन जब आप लोगे तो आपके पास ये वाली टर्म बच जाएगी। ये वाली टर्म आपको स्टेटमेंट में गिवन है कि किसके इक्वल है, वैल्यू इंडेक्स नंबर के इक्वल गिवन है, ये क्या हो जाएगा आपका पार्शियल एस पारे, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला बन गया, प्राइस इंडेक्स फॉर द लेस पारे एंड द प्राइस इंडेक्स फॉर द पाशे, ठीक है ना, इसको आप डिवाइड में ले जाओगे तो आपके पास ये दोनों फॉर्मूलाज बन जाएंगे। बस उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया है, ये वाली टर्म में लेफ्ट हैंड साइड लेकर चली गई हूँ और यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली टर्म थी लेफ्ट हैंड साइड में, उसको राइट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई, ठीक है गर्ल्स। यहाँ पे अगर आपको कॉमन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, वैसे आपको सबको कॉमन लेना आता ही है। यहाँ पे अगर सेम टर्म नहीं होती है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके हम वैल्यूज को कॉमन ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कॉमन करके हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला स्टेटमेंट में गिवन थे, हमने यहाँ पर उनको अप्लाई किया और अप्लाई करके हमारे पास जो कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी थी वो हमने यहाँ पर सेटिस्फाई की, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए गर्ल्स, यहाँ पे हमें लास्ट में उसने बोला था, डिड्यूस द कंडीशन अंडर विच लेस पारे प्राइस इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन द पाशे। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, कंडीशन चेक की है कि अगर हमारा कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, कि अगर हमारे पास लेस पारे और पाशे दोनों डिवाइड हैं तो वो भी हमारे क्या होंगे, लेस देन वन के होंगे, और लेस देन वन के होंगे तो इसका मतलब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस पारे हमारा लेस देन होगा पाशे के। अगर हमारे पास कोरिलेशन क्या होगा, लेस देन होगा जीरो के, तो हमारा लेस पारे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, वही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। अगर हमारे पास कोरिलेशन इक्वल्स टू जीरो के हुआ और इफ हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स किसके इक्वल हुआ, जीरो के, तो हमारे पास लेस पारे और पाशे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन थी लास्ट में जो उन्होंने बोला था हमें ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन के लिए चेक करना है, तो आपको ऐसे चेक करना है, ठीक है। एक थर्ड में वो हमें बोल रहे हैं, इन प्रैक्टिस अंडर नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन वी हैव, कि अगर आपको नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन के लिए करना है तो जो अगर आपके पास ये कोरिलेशन है, अगर वो आपके पास माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू जीरो के बीच में लाइक करता है, तब आपके पास क्या होगा, लेस पारे ग्रेटर देन होगा पाशे के, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल था 3.9, एक बार आप इसको पढ़िए, फिर भी कोई दोबारा डाउट आता है गर्ल्स तो आप मुझे पूछिए, ठीक है, थैंक यू।